ये हमारा रूम है, इसमें मैं, अशफाक भाई और आमिर भाई रहेंगे। ये चेक करें जरा। सो गाइज, आज जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए हम ये मस्जिद में आए। ये हमारे विला के जस्ट पीछे ही है, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर के बाजू में। बहुत छोटी सी मस्जिद है, बट कोई नहीं, जुम्मा की नमाज। फर्स्ट बेडरूम, ये बेडरूम का अपना वॉशरूम, ये सेकंड रूम है। कितनी कड़क धूप में चाय, सही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो तुम्हारा भाई वापस से आ गया एक नए वीडियो के साथ में। तो अभी फ़िलहाल दिवाली की छुट्टी चल रही है, तो हम लोग निकल रहे हैं फ़िलहाल फार्म हाउस के लिए। हम अभी खड़े हैं हमारी गली के नाके पे, 3rd साकली स्ट्रीट, गुलदस्ता। हमारे साथ में अशफाक भाई भी है और उनके दोस्त लोग भी है। और ये हमारे आमिर भाई की कार है, फुल तैयारी हो रही है और फील्डर आ रहे। कितने लोग जा रहे हैं अशफाक भाई? अशफाक भाई कितने लोग जा रहे? 20 जन जा रहे, अशफाक भाई का कहना है 20 लोग जा रहे। तो देखते कौन कौन रहेगा और कैसे जाएंगे। सो जो भी हो, मज़ा बहुत आने वाला है। तो वीडियो एंड तक के देखें, जब तक आप। सो गाइज, अभी हम निकल चुके हैं, फिलहाल हम हैं मझगांव पे। आमिर भाई ड्राइव कर रहे हैं, पीछे अशफाक भाई है और इनके सारे स्टाफ है। 8 जन है हम ये कार में और बाकी 2 कार और आ रही है, टोटल 19-20 जन हो रहे। और ये देखें, अभी अभी हम मझगांव पे, जस्ट बुरानी कॉलेज पीछे गया। कितना टाइम लगेगा पता नहीं। कौन सा रोड मार के जाना आमिर भाई? अटल सेतु। देखते हैं, हमारा इरादा तो है अटल सेतु मार के जाने का, बट अशफाक भाई मना कर रहे। और सही भी है, क्योंकि पैसा जाएगा उतने में हम वहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। तो देखते हैं जो भी रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो एंड तक के देखे। सो गाइज, फिलहाल हम वाशी पहुँच गए, आधा घंटा हो गया, अभी 9 बज रहा है। आमिर भाई फुल भगाते हुए लेके आ रहे हैं, इसकी स्पीड देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये 60 की स्पीड में चल रहे, वरना कहीं भी भाई ने 180 के नीचे लाया नहीं है। अभी हम वाशी में टेम्पल देखे, पारसी गिल के ऊपर का टेम्पल है। और कितना टाइम लगेगा पता नहीं, मे भी 1 घंटा लगेगा। क्या बोल रहे भाई? 1-1.5 घंटा लगेगा, लंबा सफ़र है। देखते कब तक पहुँचते, अभी 9 बज रहे हैं। एक्चुअली हम निकलने वाले थे 7 बजे, बट 8:30 बजे हमारी गाड़ी चालू हुई, तो देखते कब तक पहुँचते। सो गाइज, अभी हम फूड प्लाजा पे रुके लोनावला से पहले। यहाँ पे रेस्टोरेंट एंड पेट्रोल पंप है, ये देखेंगे। इसके पीछे साइड भी है बहुत अच्छा सा, यहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से भी। हमने यहाँ कार खड़ी किया है वॉशरूम के लिए। तो अभी अशफाक भाई बोल रहे हैं चाय पीने का, चाय पीते देखते क्या रहेगा। और जब तक के दूसरी कार भी हमारी आ जाएगी, और 2 कार है, तो अल्ताफ भाई लोग की भी कार जब तक के शायद आ जाए, तब तक हम चाय पीते। कार की एसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप देख सकते हो पसीना हो गया। तो अब देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा, जो भी रहेगा मैं अपडेट देता हूँ। ये भाई लोग अपने सारे फील्डर लोग लग गए काम पे, ये देखें अशफाक भाई चाय ले रहे, आमिर भाई खड़े। नहीं भाई, पियो पियो। कितनी कड़क धूप में चाय, सही है। सो गाइज, एसी ना चलने का कारण पता चल गया है, कूलेंट गिर चुका है, यानी पूरा डब्बा खत्म हो गया। अभी हम लेके आए, अच्छा है कि हम लोग पेट्रोल पंप पे ही थे, तो मिल गया हमको ये डब्बा है। नहीं नहीं नहीं, रुक के खोलूँगा। कूलेंट ये जाएगा इसके अंदर, पूरा खाली हो चुका है, इसकी वजह से एसी नहीं चल रही थी। अभी डालते देखते, मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया, वो हुडी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा था, पूरा भीग गया था पसीने से। अभी चेंज कर लिया और ये भी ले लिया, देखते इतना खाली होता नहीं है कूलेंट। मेरे ख्याल से वायर कट गया है,
कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना थोड़ा बहुत तो रह जाता है, पूरा ब्लैंक हो गया, खाली है। तो अभी डाल के देखते क्या होता है, देखते हैं। सो गाइस, फाइनली कार की एसी चालू हो गई और हम निकल गए अभी पेट्रोल पंप से। अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, 10:30 बज गए। अब तक अगर हम यहाँ रुकते नहीं तो शायद पहुंच गए होते, बट कोई नहीं, सारी चीजें जरूरी है। गलती महबूब भाई की है, 7 बजे बोल के हमारे को 8:30 बजे लेके निकले, इसलिए लेट हो गया। अरे महबूब भाई, गलती हमारे बॉस की है भाई, जो हमको 7 बजे से उठा के 8:30-9 बजे तक निकलवाए। सही है, ये भी सही है। देखे हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है या शोरूम है भाई, एडवर्टाइजमेंट है मेरे ख्याल से। फाइनली गाइज हम पहुंच गए बंगले के गेट पे खड़े, और ये देखे बंगला, जिस बंगला है रासा विला। आशा विला, रासा विला। आज पार्क बह गए गेट ओपन करवाने के लिए। मेरे ख्याल से आप उन लोग ही पहले पहुंचे, नहीं भाई बाकी लोग, देखते खाली नहीं हुआ यार। 11 बज तो गया है, हाँ अपने से पहले 11 बज तो गया है। सो गाइस, ये है विला फार्म हाउस। एंट्री करते हैं, यहाँ टेबल्स है और ये इस तरीके से। ये अल्ताफ भाई भी आ गया, बॉस फाइनेंसर। ये पूल, स्विमिंग पूल है। और ये, और पूरा मैं वीडियो बताता हूँ अंदर का। पहले सबसे पहले चेंजिंग करना है, फिर इसके बाद खुद ही मारना है, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा जो भी। देखिए अपने पूरी पब्लिक आ रही। तीसरी कार आ रही अंदर। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम आए तो कल वाले लोग ने खाली नहीं किया था, क्या आमिर भाई लेके आए अपनी आर्टिगा। ये सब सामान अभी अंदर लाके रख रहे, लावरी जीरा और पानी। आंटी मना कर रहे हैं, मगर अभी ये हॉल है, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। सो गाइस, मैं आप लोग को रूम दिखाता हूँ। ये है एंट्रेंस पे हॉल, जैसी यार। और ये है फर्स्ट बेडरूम, ये बेडरूम का अपना वॉशरूम, ये सेकंड रूम है। आप चेक करें जरा, OMG सब फर्नीचर जो, वाह, सब में एक आपको कबर्ड रहेगा। एंड ये ही सेकंड के अंदर थर्ड कंबाइंड है, यहाँ से भी आप आ सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है, और यहीं से बाहर जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर के दो रूम है, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी आप जाते हैं तीसरे रूम के लिए, सॉरी तीसरा रूम से ही हो गया, फोर्थ रूम के लिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए फोर्थ रूम, ये है जो कि हमारा रूम है, इसमें मैं, अशफाक भाई और आमिर भाई रहेंगे। ये चेक करें ज़रा, हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूम भी है छोटा सा। और ये रूम में एक चीज़ और है कि ये जो खिड़की है इसके जस्ट बाजू में डाइनिंग टेबल है, ये हमारा। और यहीं से हमारा किचन भी है, किचन के बाजू में डायरेक्ट बाहर हमारा स्विमिंग पूल है। तो इसको बंद कर देते हैं एंड चलते हैं अभी। सो गाइस, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का, अब मैं आप लोग को फर्स्ट फ्लोर का दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे नमाज के लिए। हमारे फुरकान भाई, क्या बोल रहे भाई, सबकी तैयारी हो गई है, देखेंगे सब रेडी हो गए नमाज के लिए। ये हमारे अशफाक भाई, अशफाक भाई ये हमारे भाई लोग है। ये हमारे अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई बादशाह भाई, अलहमदुल्ला भाई। ये बाकी गैंग है सब,
नमाज के लिए रेडी हो रही है। सो गाइस अब नमाज के बाद मिलते हैं। सो गाइस मैं आप लोग को ऊपर का रूम दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये देखें यहाँ का व्यू कैसा आएगा। ये जस्ट हाईवे के बाजू में है, जस्ट ये हाईवे क्या हुआ दिखेगा आपको। और ये विला है, व्यू चेक करें। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे घास उगी हुई है, इसका व्यू भी अलग ही दिख रहा है। मैं आप लोग को बेडरूम दिखाता हूँ ऊपर के। ये गैलरी का एरिया है, इसका एंट्रेंस नीचे से है, यहीं से है एंट्रेंस। मैं आप लोग को गैलरी में से लेके जाता हूँ। जस्सी ये देखें, ये एक बेडरूम, नीचे के चार बेडरूम के अलावा ये इसका वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा है बढ़िया। और ये देखें जैसा मैं बोला नीचे से सीढ़ी है, ये देखें। और ये सेकंड बेडरूम, इसका भी वॉशरूम बाथरूम सब है। फर्नीचर का बहुत अच्छा काम है, यानी एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और ये गैलरी रहेगा, गैलरी में से आप डायरेक्ट जा सकते हो बाहर। नाइट में यहाँ मज़ा ही आ जाएगा, मैं पूरी चीज़ें ऐड करूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हम हुक्का लाए हैं, दो ही हुक्का ला पाए और बाकी के तीन हुक्के गाड़ी में रहेगा, यानी भाई कल्ला में ही रह गए, नहीं ला पाए। तो अभी हम जुगाड़ में लगे हुए, देखते क्या रहेगा। अभी मेन चीज़ है नमाज़ पढ़ने जाना है हमको। एक बज रहा है, कुछ डेढ़ बजे की जमात है और आज जुम्मा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, अभी चेंज करके बाकी लोग नहाने चले गए, मैं भी नहाता हूँ थोड़ा और फिर नमाज़ के लिए जाते। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ, हम आए हैं, बाकी की चीज़ें देखते रहे, वीडियो एंड तक के देखें, मज़ा आएगा, लेट्स सी। सो गाइज आज जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए हम ये मस्जिद में आए। ये हमारे विला के जस्ट पीछे ही है, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर के बाजू में। बहुत छोटी सी मस्जिद है बट कोई नहीं, जुम्मा की नमाज। सो है गाइज अभी जस्ट हम नमाज़ पढ़ के आए, 2:30 बज रहा है। और एक चीज़ है, हम लोग हुक्का भूल गए थे, तो सादुल्ला भाई जो हमारे है वो भाई कल्ला में ही थे, तो उनको बोला गया। तो वहाँ से दादर से कार आती है जो लोनावला होते हुए सीधा पुणे जाती है, तो उसमें डाल दिया गया सामान, 3 हुक्के है और फ्लेवर्स है, हम 2 हुक्का ही लेके आए थे, बाकी के 3 आ रहे थे। तो अभी जब भी उन्होंने वो निकले थे वहाँ से, बट अभी 2 बजे के टाइम पे कॉल आया कि उन लोग पहुँच गए, हम लोग नमाज में ही थे तभी कॉल आया कि पहुँच गए। तो आमिर भाई लोग, आमिर गया ना, नहीं आमिर भाई और बाकी के 3 फील्डर गए लेने के लिए, कहाँ पे तो कार रुकी थी वहाँ से कलेक्ट करने के लिए। सो लोग आ जाएंगे तो हम हुक्का हुक्का भी लगाते हैं। अभी बस जा रहे चाय पीने, फिर आके खाना होना होगा लंच, उसके बाद का देखते हैं। तो वीडियो एंड तक के देखें। सो गाइज अपना ये सामान आ गया है, देखे बाकी का हुक्का हुक्का, ये सारा सामान रह गया था, अभी आ गया, बस बनाना है और चालू हो जाना है। इसके बिना यहाँ पे रह के फायदा नहीं। खाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, फिर काम करेंगे बाकी का सामान देंगे साथ में। तो गाइस उसामा भाई, तो गाइस सब एक एक करके कूद रहे, पूरे गैंग एक साथ में स्टार्ट। ये सो है गाइस अभी शाम के 4 बज रहे और हम अभी लंच करने जा रहे, टाइम देख सकते हो आप लोग पीछे दिखेगा 4 बज गए। ये देखे लंच हो रहा है, एक्चुअली फोटो सेक्शन चालू था तो सबके एक एक फ़ोटो भी लेने जाएंगे, तो इतने लोग हैं और तुम्हारा भाई फ़ोटो बहुत हार्ड लेता है पता है, तो फोटो सेक्शन तो हो गया, अभी बस लंच करना है और
ये देखे, हाँ दिखा दिया, सब दिखा दिए, अपनी पब्लिक है। अल्ताफ भाई ये यहाँ के खाना होना सारा इंतज़ाम यही भाई देखते हैं, और बहुत अच्छा काम है इनका। देखे ये सब में बड़े साहब है, हमारे बड़े साहब है जी, अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, फुरकान भाई, वो भाई। सो गाइस अभी लंच होगा, उसके बाद जो भी चीज़ें रहेगी वो मैं दिखाता हूँ। ये अल्ताफ भाई बोले कि किचन का। सो गाइस मैंने किचन का वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ किचन का एरिया। ये है मौसी जो यहाँ पे हमारा खाना सारा इंतज़ाम देख रही है। वैसे आप इनसे बनवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद भी यहाँ पे खाना बना सकते हैं, आपको सारा इंतज़ाम मिल जाएगा। इसके आगे जाएंगे तो हमारे बेडरूम का बैक साइड का एरिया है, जहाँ पे डाइनिंग टेबल आपको मिल जाएगा। ये हमारा रूम है, बैक साइड का एरिया है, और आगे का भी है हिस्सा, यही दिखाना था। सो गाइस आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अभी आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा, बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है, पूरी रात बाकी है।